सब्सक्राइब करें निशांत मैथमेटिक्स और बेल आइकन दबाना ना भूलें वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांत मैथमेटिक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी अच्छा कंसेप्ट, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला होता है। इस पर बेस्ट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके शॉर्ट ट्रिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स से उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। आज परसेंटेज का पार्ट 5 है और ये क्रैश कोर्स है एसपी क्लब 2019 के लिए क्वांट सेक्शन पे। और वीडियो के शुरू में सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मुझे अन अकेडमी पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ भी जाकर भी फॉलो कर ले, आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज में मिल जाएंगे वहाँ पर पढ़ने के लिए। और अगर आप अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बैंक, SSC, रेलवेज या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का और आपको चाहिए 10% का डिस्काउंट तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है निशांत मैथमेटिका -379। कैसे अप्लाई करना है, आपको अन अकेडमी प्लस सेक्शन पे जाना है, आपको रेफरल कोड वाला ऐसा बॉक्स मिलेगा उसमें आपको डालना है निशांत मैथमेटिका -379 और आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। तब आपको मिलेगा ऐसा मैसेज, रेफरल कोड अप्लाइड सक्सेसफुली और आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। यहाँ पे इसका दाम 5,000 रुपये है 12 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन का और यहाँ पे 4,500 हो चुका है, मतलब आपको मिलेगा डिस्काउंट 500 का जो कि 5,000 का 10% होता है। तो इस प्रकार आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अकेडमी पे मेरा रेफरल कोड यूज करने पे। चलिए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन पे और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 4 eggs less are available for Rs. 24. What is the present rate of eggs per dozen? कहने का मतलब, अंडे के दाम में जब 50% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को 24 रुपये में 4 कम अंडे खरीदने पड़ते हैं, तो हमें बताना हुआ हमें बताना है अंडे का प्रजेंट रेट, मतलब कि बढ़ा हुआ दाम बताना है कि अंडे का बढ़ा हुआ दाम क्या है। तो हम लोग काम करेंगे सबसे पहले बेसिक अप्रोच से, फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे क्यूकर अप्रोच से। बेसिक अप्रोच से समझ लेंगे कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है। क्वेश्चन होता है प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब, किसी भी वस्तु का प्राइस, सपोज कर लेते हैं हम लोग एक बिस्किट का डिब्बा है उसका प्राइस है 5 रुपये और कंजप्शन, कहने का मतलब कि अगर मैं एक महीने में 20 बिस्कुट खाता हूँ, बिस्किट का डब्बे खाता हूँ जिसका दाम 5 रुपये है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 100 रुपये। मतलब एक महीने में मेरा जो खर्चा होगा बिस्किट पे वो 100 रुपये होगा। इस प्रकार से यही होता है प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो अगर प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर है, दिस इंप्लाइज कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर बाई प्राइज, मतलब हम एक्सपेंडिचर हमें अगर हम प्राइज से डिवाइड कर दें तो हमें कंजप्शन मिल जाएगा, मतलब कितना बिस्कुट हम खाएं, कितना अंडा खाएं, कितना केजी चावल खाएं, इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो हम लोग इसी कंसेप्ट से काम करेंगे। उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 24 रुपये है। कहने का मतलब उसको खर्च करने के लिए उसके पास 24 रुपये हैं। जब प्राइस उसका इनिशियल रेट होता है तो सपोज कीजिए वो एक्स अंडे खरीदता है और जब दाम बढ़ जाता है तो एक्स माइनस 4 अंडे खरीदता है, लेकिन उसके पास 24 रुपये ही है खर्च करने के लिए। तो कहने का मतलब इसका एक्सपेंडिचर हो गया 24 रुपये है। पहले स्थिति में सपोज करते हैं प्राइस एक्स है, ठीक है, और दूसरे स्थिति में सपोज करते हैं प्राइस है उसका एक्स का 150/100 क्योंकि उसमें 50% की वृद्धि होती है, तो ये हो जाएगा 24/3x/2 और इसका डिफरेंस कितना है 4x। क्लियर? 4x इसका डिफरेंस है, तो हम लोग लिख सकते हैं 24/x - 24/3x/2 = 4। क्लियर? यही इक्वेशन बनेगा। समझे इक्वेशन कैसे बनाए, काफी इजी है। कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर बटा प्राइस, तो इसी पर हम लोग एक्सपेंडिचर पर प्राइस का वैल्यू डाले हैं। पहले स्थिति और दूसरी स्थिति में जो वैल्यू मिला है
तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा उस अंडे का मूल्य, जो कि वो कम खरीदता है दाम बढ़ जाने के कारण। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24/x माइनस ए हो जाएगा 8 × 8 = 24, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। 16/x = 4, दिस इम्प्लाइज 8/x = 4, दिस इम्प्लाइज x = 2। कहने का मतलब एक अंडे का दाम 2 रुपये है। जब एक अंडे का दाम 2 रुपये है तो 12 अंडे का दाम होगा 24 रुपया, और इसमें जब 50% की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 3 रुपये। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे, इस वैल्यू में डाल देंगे तो क्या वैल्यू देगा 3 रुपये। और जब अंडे का दाम 3 रुपये होगा तो ये कितना खरीदेगा, 8। इस प्रकार देख पा रहे हैं कि पहली स्थिति में 12 खरीदता है, फिर 8 खरीदता है, मतलब 4 का अंतर यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार अंडे का बढ़ा हुआ मूल्य होगा 3 रुपये पर x। तो एक अंडे का दाम 3 रुपये है तो 12 अंडे का दाम होगा 12 × 36 रुपये, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा रेट ऑफ एक्स पर डोजन का। क्लियर, ये तो समझ में आ गया, ये तो बेसिक अप्रोच से था, एग्जाम में इतना हमें नहीं करना है। अब मैं इसका आपको बता देता हूँ कुकर अप्रोच, 10 से 15 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, इसका मेथड। क्वेश्चन था प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में बात किए हैं कि उसके पास खर्च करने के लिए 24 रुपये ही हैं, चाहे अंडे का दाम घटे बढ़े जो भी हो, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए 24 रुपये ही हैं। मतलब ये एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर बाय कंजप्शन। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बन जाएगा, और हम सिंपली लिख देंगे प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। मतलब x1:y1, अगर प्राइस का रेशियो है तो y1:x1 होगा कंजप्शन का रेशियो, इनका जो रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा। तो अब देखिए इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है कि 50% से बढ़ रहा है दाम, तो 50/100 होगा 1/2, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये होगा 3+1/2। यहाँ पे बढ़ रहा है इसलिए इसको हम ऐड करेंगे, पिछले वाले सेशन को आप देख सकते हैं इस कंसेप्ट को जानने के लिए। तो ये होगा 3/2, और इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, जो जिससे कंपेरिजन होता है वो पहले होता इनिशियल वाला होता है, और जिसका कंपेरिजन होता है वो बाद वाला होता है। तो इसका इनिशियल अमाउंट हो गया, अमाउंट मतलब प्राइस हो गया अंडे का, और ये फाइनल प्राइस हो गया अंडे का रेशियो में, और यहाँ पे ये प्राइस का रेशियो है तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 3:2 हो जाएगा इस कंसेप्ट से। तो और इसका डिफरेंस क्या होगा, पहले स्थिति में वो 3 यूनिट खाता है, दूसरी कंडीशन में वो 2 यूनिट खाता है, तो इसका डिफरेंस कितना है, 1 है, और ये 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, 4 अंडे के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, 4 अंडे के इक्विवेलेंट होगा, तो 2 इक्विवेलेंट होगा 8 अंडे के। यहाँ पे देखिए अगर ये 1 इक्विवेलेंट है 4 अंडे के, तो 2 इक्विवेलेंट होगा 8 अंडे के। इस बात को बड़े से ध्यान से देखिए, और इस 8 अंडे का दाम कितना होगा, 24 रुपया होगा। क्लियर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 इक्विवेलेंट होगा किसके, 12 के। इस कंडीशन देखिए बहुत ध्यान समझिए इसको, 2 इक्विवेलेंट होगा 8 के और 3 इक्विवेलेंट होगा 12 के। इस कंडीशन में इनिशियली 12 अंडे का दाम होगा 24 रुपये, और फाइनल में 8 अंडे का दाम होगा 24 रुपये, क्योंकि कम अंडे खरीदता है, पहले 12 खरीद रहा है फिर 8 खरीद रहा है, मतलब कि 4 का डिफरेंस है, 4 अंडे कम खरीद रहा है दूसरी बार में। तो इस प्रकार इसका इनिशियल 1 अंडे का दाम हो जाएगा 2 रुपये, और फाइनल में इसका 1 अंडे का दाम हो जाएगा 3 रुपये। देख पा रहे होंगे काफ़ी दिमाग से समझ इस बात को, 1 अंडे का दाम हो जाएगा 3 रुपये, और हमसे फाइनल प्राइस पूछा जा रहा है
डोजन में, तो अगर एक अंडे का दाम 3 रुपये है तो 12 अंडे का दाम 36 रुपये है। इनिशियली हम लोग पिछले वाले मतलब पिछले वाले कंसेप्ट में भी, पिछले वाले स्लाइड में भी बेसिक अप्रोच वाले कंसेप्ट में हम लोग 36 रुपये ही लाए थे और यहाँ भी 36 रुपये ही आया है। और इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझे अगर समझ गए तो ऐसा क्वेश्चन आपको SSC CGL में भी मिल जाएंगे, CHSL में भी मिल जाएंगे और बैंक PO के PT में भी मिल जाएंगे, क्लर्क के भी PT में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा अप्रोच भी है, समझ गए। तो 10 से 15 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे सॉरी कमेंट बॉक्स में लिखे, ये समझ में नहीं आया तो मैं फिर दोबारा बताऊंगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू 25% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए राइस, ए मैन परचेज 20 kg लेस राइस फॉर आर 400, व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस ऑफ राइस। हम लोग बेसिक अप्रोच समझ चुके हैं, बेसिक अप्रोच सब क्वेश्चन के लिए सेम ही होगा क्योंकि प्रोसेस को देखते हैं कि 20% का इंक्रीमेंट होता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है तो हम लिखेंगे 4 + 1/4 होगा 5/4। तो इनिशियल इसका अमाउंट होगा 4 और फाइनल अमाउंट होगा 5, क्लियर। ये इनिशियल अमाउंट हुआ, ये फाइनल अमाउंट हुआ, ये प्राइस हो गया। तो इसके कंजक्शन का रेशियो हो जाएगा 5/4, इनका भी डिफरेंस 1 और ये 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, 20 kg के इक्विवेलेंट होगा। तो 4 इक्विवेलेंट होगा किसके, 80 kg के। ये फाइनल वाला कंजप्शन है, मतलब अगर पहले वो 5 यूनिट खाता है, दाम बढ़ जाने के कारण 4 यूनिट ही खाता है, और इसमें अगर पहले कितना खाएगा, 100 यूनिट खाएगा, मतलब 100 यूनिट खाएगा 20 एक, अगर 5 की इक्विवेलेंट है तो 4 होगा 80 की इक्विवेलेंट और 5 इक्विवेलेंट होगा 100 की इक्विवेलेंट। और इस 80 kg का दाम कितना है, 400 है, 400 रुपये है। और इस 100 किलो का भी दाम 100 kg होगा भाई, इस 100 kg का दाम भी 400 रुपये ही है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे दाम कम है और यहाँ पे दाम ज़्यादा है, इसलिए प्राइस यहाँ पे कम होगा। तो 100 का दाम, 100 kg का दाम अगर 400 रुपये है तो 1 kg का दाम होगा 4 रुपये, और यहाँ पे अगर 80 kg का दाम अगर 400 है तो 1 kg का दाम हो जाएगा कितना, 400/80, मतलब 40/80 मतलब 5 RS। तो व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस ऑफ राइस, मतलब राइस का बढ़ा हुआ दाम कितना होगा, तो राइस का बढ़ा हुआ मूल्य होगा 5 रुपये, क्लियर। यही समझना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ये हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको निकालना बहुत जरूरी था। एग्जाम में आपसे जो पूछा जाए वही निकालना है, कुछ ज्यादा नहीं निकालना है, क्लियर। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लेवल का है उससे, लेकिन उसी कंसेप्ट से बनेगा। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट इट्स कंजप्शन मस्ट बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन शुगर रिमेन्स सेम। देखिए फॉर्मूला है प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। एक इनिशियल प्राइस होगा, एक तो फाइनल प्राइस होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर यहाँ पे दोनों स्थिति में कॉन्स्टेंट होगा। तो अगर 20% है, 20% से इंक्रीज हो रहा है, एक बटा पांच से इंक्रीज हो रहा है, तो 5 + 1/5 बराबर 6/5, ये होगा इनिशियल वैल्यू और ये होगा 6 होगा फाइनल वैल्यू। और यहाँ पे सपोज करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कंजप्शन से। कंजप्शन को कितना सपोज करें कि ये 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, तो उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं 12, तो ये हो जाएगा 60। और एक्सपेंडिचर तो इसका हमेशा कांस्टेंट है, और यहाँ पे
ये हुआ है इंक्रीमेंट, और यहाँ पे डिक्रीमेंट होना ही होना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 5 से 6 इसका हो जाता है कॉस्ट। सपोज करते हैं पहले इसका कॉस्ट 5 है, जब उसमें 20% बढ़ता है तो 6 रुपये हो जाता है सपोज करते हैं। तो हमें कंजप्शन, हम 12 क्यों लिए, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, कंजप्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, बस मेरा एक्सपेंडिचर हमेशा बराबर है जो क्वेश्चन कह रहा है। तो एक्सपेंडिचर अगर बराबर है तो इस स्थिति में उसका कंजप्शन क्या होना चाहिए, तो हम 60 में 12 से भाग देंगे, नहीं 60 में 6 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ हमें गुना करने हैं सपोज करते हैं x, तो x का वैल्यू होगा 60/6, तो ये यहाँ पे 10 यूनिट हो जाएगा उसका कंजप्शन। पहले 12 यूनिट है, फिर 10 यूनिट है, 12 से 10 हो जाता है। तो डिक्रीज कितना हुआ, 2, कितने पे, 12 पे × 100, मतलब 1/6 × 100, मतलब 16.66% की उसकी उसको कमी करना होगा, किस पे, कंजप्शन पे, ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा बराबर रहे। क्लियर, इस प्रकार से इसका ये बेसिक अप्रोच हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा इसका क्यूकर अप्रोच, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यहाँ पे ये 12 का जो बात है कि 12 अपने मन से हम ले सकते हैं, बस इसमें रिलेशन होना चाहिए प्राइज में, कि क्वेश्चन में हमें कहा गया प्राइज के बारे में। तो मेरा पहला कंडीशन है कि प्राइज में 20% का इंक्रीजमेंट होना चाहिए, तो हम करा दिए। दूसरे कंडीशन में हमें कहा जा रहा है कि 60 मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम होना चाहिए, तो हम 60 भी ले लिए। हम लोग ऐसा उसका एक्सपेंडिचर लेंगे जो कि डिविजिबल हो, हमें डिवाइड करने पर उसमें इंटीजर आने चाहिए। तो हम अपने सुविधा से इसको 60 ले लिए, इसको 12 ले लिए, ये 60 हो गया। तो अब हम 60 में 6 से भाग देके 10 यूनिट निकाल लेंगे, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब कुछ हो रहा है। तो 12 से 10 हो गया उसका कंजप्शन में रिडक्शन, तो इस प्रकार हम लोग परसेंटेज रिडक्शन निकाल लीजिए, निकाल लिए परसेंटेज डिक्रीज निकाल लिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं बताता हूँ इसका आपको क्यूकर अप्रोच। एक थ्योरी है उसको लिख लीजिए, इफ प्राइज ऑफ एन आइटम इंक्रीजेज बाय X% then to make expenditure constant we have to reduce in conjunction by 1/x नहीं होगा, 1/x होगा। फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, परसेंटेज वैल्यू नहीं लेंगे, परसेंटेज वैल्यू काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर किसी भी आइटम का जो प्राइस है वो 1/x से इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट बनाने के लिए हम उसको 1/x% से उसको कंजप्शन को डिक्रीज कर देंगे, ताकि मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। ये तो ये हो गया। और दूसरे कंडीशन में, इफ प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज बाय 1/x देन टू मेक एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट वी हैव टू इंक्रीज कंजप्शन बाई 1/x-1। यही थ्योरी है प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर का, जब ऐसे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होता है। जो बेसिक अप्रोच था वो तो हम लोग देख लिए, मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बेसिक अप्रोच से इसको लॉजिकली ऐसे सॉल्व करें। लेकिन एग्जाम में जब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसे आए तो उसको इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके, या फिर इसका नोट्स बना लें। अब मैं सीरीज करने वाला हूँ और इसका एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे है
द प्राइस ऑफ ए शुगर इंक्रीज बाई 20%, 20% से वो बढ़ रहा है, मतलब 1/5 से बढ़ जाता है। क्लियर, 1/5 से बढ़ जाता है कहने का मतलब देख लीजिए, अगर 100 रुपया, उस 100 रुपया उसका इनिशियल प्राइस है, तो 100 का 1/5 कितना होगा, 20 होगा, तो 20 इसमें बढ़ जाएगा तो बढ़ के 120 हो जाएगा। इस 1/5 करने का मतलब ये होता है। तो हमें इसके कंजप्शन को कितना से रिड्यूस करना होगा, सपोज कीजिए वो ये 1/1 है, तो रिडक्शन में हम लोग चलते हैं, लेस में हम लोग चलते हैं 1/x+1 से, तो यहाँ पे 1/5+1 करेंगे, ये होगा 1/6, 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू 16.66%। क्लियर, तो 16.66% से ये रिड्यूस हो जाएगा कंजप्शन में। तो देख लीजिए दोनों कंडीशन में मेरा आंसर सेम ही आया है, तो इस कंसेप्ट को समझ लें। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल्स डाउन बाई 20%, मतलब 20% से ये डिक्रीज होता है, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट ए पर्सन इंक्रीज इन इट्स कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेंस सेम। तो हमें मोर तक जाना है, ये रिड्यूस हो रहा है 1/5 से, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है और 1/5 से उसका दाम गिर रहा है, तो हमें कंजप्शन कितने से बढ़ाने होंगे, 1/5 - 1 से। जब बढ़ेंगे तो नेगेटिव ले लेंगे 1 को, और जब घटाएंगे तो पॉजिटिव ले लेंगे 1 को, तो ये होगा 1/4, मतलब उसको हम लोग 20% से बढ़ाना होगा उसके कंजप्शन को। क्लियर, ये इसको अगर सपोज कीजिए 1/x, तो ये आपको हो जाएगा 1/x-1, थ्योरी में मैंने यही बताया है। तो इस प्रकार ये 20% से इंक्रीज हो जाएगा इसका कंजप्शन, और आपको बनाना है इसको बेसिक मेथड से। चलिए मैं बता ही देता हूँ बेसिक मेथड, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, ये बढ़ता है 20% से, कहने का मतलब 5 रुपये का वस्तु 6 रुपये का हो जाता है, नहीं तो गिर रहा है, मतलब 5 रुपये का वैल्यू 4 रुपये हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 घट रहा है, तो 5 में हम 1 घटाएंगे फिर 5 लिखेंगे, यह होगा 4/5। अब हम ऐसा वैल्यू यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम 5 में इस उस देखिए यहाँ पे 5 में हमें किससे गुना करना है, कंजप्शन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उस चीज से उस नंबर से यहाँ गुना करें जो कि 4 से डिविजिबल हो, यहाँ पे जो नंबर आए तो उसको हम लोग 8 भी ले सकते हैं, ठीक है, हम 4 भी ले सकते हैं, तो चलिए 12 भी ले सकते हैं, तो 12 ही हम लेते हैं, चलिए तो इसका 60 हो जाएगा इसका क्या टोटल एक्सपेंडिचर। दूसरे स्थिति में भी एक्सपेंडिचर सेम ही रहेगा, और यहाँ पे हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो 60 में हम 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15, मतलब इसका एक्सपेंडिचर पहले 12 यूनिट है तो बाद में 15 यूनिट हो जाता है, सॉरी कंजप्शन, एक्सपेंडिचर नहीं कंजप्शन, पहले 12 यूनिट है तो बाद में 15 यूनिट हो जाएगा, 12 से 15 यूनिट बढ़ गया, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, कितने पे, 12 पे, इंटू 100 बराबर 100/4 बराबर 25%, यहाँ भी 25%, तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन को। अगर आपके दिमाग से अगर ये वाला थ्योरी निकलता है तो आपके पास आपका बेसिक अप्रोच हमेशा आपको साथ देगा, और इसमें भी 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा क्वेश्चन को बनाने में। तो इस सेशन को बहुत ध्यान से देखें, और नोट्स भी बना सकते हैं तो नोट्स बना लें, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें सॉल्यूशन का। तो आज के लिए मैंने इतना ही क्वेश्चन किया है, और अगले सेशन से अब क्वेश्चन जो भी होंगे वो होंगे आपको अच्छे लेवल के, जो कि पीटी में टफ लेवल के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज के, उसको मैं इंक्लूड करूंगा, और सारे प्रीवियस ईयर के होंगे, मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कल बता दूंगा, 4 या फिर 5 क्वेश्चन लेके जितने भी बनेंगे, 10, 20, 25 जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस के, अब सारे का सेशन करवा दूंगा पीटी लेवल का। और जब पीटी का एग्जाम खत्म हो जाएगा तब मैं मेंस के लिए भी क्रैश कोर्स शुरू कर ही दूंगा, तो पहले पीटी के लिए पढ़ लेते हैं, पीटी भी निकालना बहुत जरूरी है मेंस देने के लिए। और वीडियो के अंत में मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें क्वांट सेक्शन के लिए, और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें वीडियो के अपडेट सबसे पहले जानने के लिए, जो भी वीडियो निशांत मैथमेटिक्स पे अपलोड किए जाएँ उसके नोटिफिकेशन का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर, टेक केयर।